हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। वो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जू और शनुन्याओ को बुली के बारे में बात करता देखते हैं, जिस पर फी बताता है कि बुली को डिफीट करना इतना भी इजी नहीं होगा क्योंकि रैंकिंग में एंशिएंट एल्गिनी नंबर 1 पर तो वहीं बुली नंबर 3 पर है और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बुली इस बार एंशिएंट एल्गिनी को हराने के लिए ही इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी जू से एंशिएंट एल्गिनी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि एंशिएंट एल्गिनी के पास जो वेपन है उसके साथ वो चारों एसोसिएशंस को अकेले ही हरा सकता है। इस पर जू को याद आता है कि कुनकी ने भी इसके बारे में उसे बताया था, ये वही इंसान है जिसके पास हेटरोजेनियस स्वॉर्ड है। फिर फी बोलता है कि अगर बुली एंशिएंट एल्गिनी को हराना चाहता है तो जरूर उसने काफी सारी प्रिपरेशंस पहले ही की होंगी। जिस पर शनन्याओ जू से पूछती है कि क्या हम लोग इस रेस को जीत भी पाएंगे, जिस पर जू ट्राई करने का कहता है क्योंकि अगर वो लोग इस रेस को हारते भी हैं तो उन्हें सिर्फ 8000 पॉइंट्स का ही लॉस होगा। तभी फी बोलता है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीनियस नेविगेटर तुम्हारे साथ है। दरअसल वो अपनी बात कर रहा था। फिर वो इन दोनों को रेसिंग बाइक की शॉप पर लाता है जहां से वो लोग बाइक खरीदने वाले थे और वो लोग शॉप में एंटर कर जाते हैं। तो एंटर करते ही उन्हें बताया जाता है कि यहां पर बाइक को वर्चुअली सेल किया जाता है और पेमेंट होने पर ये बाइक आपकी इन्वेंट्री में अपीयर हो जाती हैं। तभी हम जीव को देखते हैं जो एक बाइक को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आती है। इस पर फी उसे किसी भी आइटम को उसके लुक्स को देखकर चूज करने के लिए मना करता है और उन बाइक्स की परफॉर्मेंस और उनके एट्रीब्यूट्स चेक करने के लिए बोलते हुए उसकी हेल्प करने लगता है। तभी फी को कोई आवाज देता है और पीछे देखने पर वहां एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होंग यान होता है। तो उसे वहां देखकर वहां पर खड़े लोग वहां से जाने लगते हैं क्योंकि वो चिलियन रेसिंग ग्रुप के साथ कोई ट्रबल नहीं चाहते थे। फिर होंग यान फी से कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो और वो उसे जल्दी से जाकर उसकी बाइक को वॉश करने का बोलती है। इस पर फी उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ और वो उसे अपनी रेस में पार्टिसिपेट करने वाली बात भी बताता है, जिस पर वो सोचती है कि इसके पास तो कोई पार्टिसिपेट करने लायक एबिलिटी तो है नहीं, फिर वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। और उसका गिरिबैन पकड़कर उसे मजाक बंद करने को कहती है और कहती है कि अगर तुम बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर वो फी से उस बेवकूफ के बारे में पूछती है जिसने उसे अपनी टीम में लिया था। इस पर शनन्याओ जू से कहती है कि शायद वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है। फिर हम फी को देखते हैं जो कहता है कि तुमने कहा था कि एक महीने तक तुम्हारे लिए लॉजिस्टिक वर्क्स करने के बाद तुम मुझे अपना पायलट बना लोगी, बट मैं लास्ट 6 महीने से तुम्हारे लिए ये सब गंदा काम कर रहा हूँ। ये सुनकर जू को भी फी और होंग यान का मैटर समझ में आ जाता है। तभी होंग यान फी को गुस्से में पीछे फेंक देती है और उसके फेस पर पैर रखते हुए एक धमकी देती है कि अगर वो उसके लिए काम नहीं करेगा तो वो इस ब्लैक मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर वो उसे किल भी कर देगी तो इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी जगह किसी और दूसरे को चांस मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे कहीं भी इधर उधर पैर रखने के लिए मना करता है, खासकर किसी दूसरे के ऊपर पैर रखने को मना करता है। जीव के उसके पैर पकड़े होने की वजह से वो डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है, जिसे उसकी साथी संभाल लेती है। फिर होंग यान जीव से उसके बारे में पूछती है तो इस पर वो खुद को फी का रेसर बताता है। इस पर वो हंसते हुए जीव को बेवकूफ बोलती है और कहती है कि शायद तुमने रियलाइज नहीं किया कि फी ने तुम्हें ट्रिक किया है। तो इस पर जीव कहता है कि उसे भी इस रेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो यहाँ पर इस रेस को जीतने के लिए आया है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो या नहीं, बट कल की रेस से पहले तुम इसे हट भी नहीं करोगी। जीव के इस एटीट्यूड को देखकर होंग यान के साथ वाली लड़कियां जीव से फाइट के लिए रेडी हो जाती हैं, बट होंग यान उन्हें रोक देती है और वहां से चली जाती है। उन्हें वहां से जाता देखकर जू सोचता है कि ये तो काफी आसान था। तभी शनन्याओ फी के सिर पर एक पंच मारते हुए पूछती है कि तुमने ये बात हमसे क्यों छिपाई। इस पर फी उनसे माफी मांगता है और बताना शुरू करता है कि वो कोई जीनियस नेविगेटर नहीं बल्कि वो तो सिर्फ चिलिंग रेसिंग ग्रुप का लॉजिस्टिक काम करता है, बट वो हमेशा से ही रेसिंग नेविगेटर बनना चाहता था जिसके लिए उसका रेस में पार्टिसिपेट करना जरूरी था, इसीलिए उसने चिलिंग रेसिंग ग्रुप को ज्वाइन किया था। ये सुनकर जू उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, जो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि हम लोगों ने ही तुम्हें इस कंपटीशन में हेल्प करने के लिए कहा था और ये मैटर नहीं करता है कि तुम एक अच्छे नेविगेटर हो या नहीं, और कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम होंग यान को कॉल पर ग्रेट शार्क टूथ रेसिंग टीम से बात करता देखते हैं। तो कॉल वाला आदमी बोलता है कि तुमने हमें कॉल क्यों किया। तो इस पर वो बताती है कि उसके पास एक गुड न्यूज है। तो उसके पूछने पर वो कहती है कि क्या तुम्हें वो प्लेयर याद है जिसने गोल्डन टोड ट्रेडिंग सेंटर के गेम्बलिंग मैच को जीता था और उसकी जीत से कई लोगों को प्रॉब्लम हुई थी और उन लोगों ने ही उसके ऊपर हाई प्राइस रखा है। फिर हम जू के वांटेड वाले पोस्टर को देख पाते हैं जिसमें उसे जिंदा या मुर्दा लाने वाले को 1.5 लाख पॉइंट मिलने वाले थे। तो होंग यान की बात सुनकर कॉल वाला आदमी बोलता है कि वो तो बहुत स्ट्रांग है
और तुम उसे पकड़ने के लिए कह रही हो, जिस पर होंगिन बताती है कि वो भले ही जियो को फाइट में नहीं हरा सकते हो, बट वो लोग टीम अप होकर एक टीम बना के रेस में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, जिससे वो जियो को किल करके एक साथ बाउंटी को क्लेम कर सकते हैं, जिस पर वो कॉल वाला आदमी भी होंगिन के साथ टीम अप करने के लिए रेडी हो जाता है। और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।